प्रोजेक्ट मैनेजर एलएनटी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। कनेक्शन कटने के मामले में ये कार्रवाई की गई, गलत तरीके से स्मार्ट मीटर कनेक्शन काटे गए थे, इसके बाद कार्रवाई की गई है। उपभोक्ताओं के कनेक्शन कटने पर ये कार्रवाई की गई। डायरेक्टर ईएसएल वेंकटेश द्विवेदी ने ये जानकारी दी है। आदेश सक्सेना ईएसएल को सस्पेंड कर दिया गया, शशिकांत अग्रवाल एलएनटी को भी सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि गलत तरीके से कनेक्शन काटे गए थे, इसके बाद यह कार्रवाई की गई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर स्मार्ट मीटर डी कनेक्शन का यह पूरा मामला है और स्टेट हेड यूपीईएसएल को सस्पेंड कर दिया गया है। स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, यहां पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, यहां पर गलत तरीके से स्मार्ट मीटर के कनेक्शन काटे गए थे, इसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर में बताया जा रहा है कि सर्वर में खराबी के चलते लखनऊ, बनारस, मथुरा, गोरखपुर, माने कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री और राजधानी लखनऊ के कई हजार और लाख मीटरों की बत्ती गुल हो गई। और इसकी लापरवाही के लिए जो सर्वर चलाता है ईएसएल और ईएसएल और जो एलएनटी है, इनके दो अधिकारियों को निलंबित किया गया है जी। लेकिन ये जन्माष्टमी के दिन लाखों घरों में अंधेरा हो गया, और ये कैसे हुआ, ये मीटर जो स्मार्ट मीटर कहे जाते हैं, इनको लेकर पहले सवाल खड़े होते रहे हैं कि स्मार्ट मीटरों में एक तो जंप करते हैं ये मीटर, इनके बिजली बिल ज्यादा आते हैं, ये मीटर कमीशन खोरी के लिए खरीदे जाते हैं, ये तमाम तरह के आरोप लगते हैं। और आपको बताऊं कि राजधानी में अकेले 30 लाख मीटर लगे हैं लखनऊ में, अगर ये यहाँ करीब 30,000 मीटर बंद हुए थे, अगर इसी तरह से सारे मीटर बंद हो जाते तो ग्रिड भी फेल हो सकती थी, बहुत बड़ा संकट आ सकता था। तो ये भ्रष्टाचार के नाते ऐसा है, बहुत सारे सवाल खड़े कर गया है कि अचानक ये मीटरों की बत्ती गुल होना, स्मार्ट मीटर की कितनी जरूरत है इस प्रदेश को, और क्यों ये बार बार लगाए जाते हैं, और इनके मेंटेनेंस में अगर इस तरह की समस्या है तो उपभोक्ताओं को ये ताजा नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। और अब खबर